नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो दिल से को पावर्ड बाय नेसोल दोस्तों हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं केंगे कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ द स्टेट दे आर द वंस हु आर टेकिंग द स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरवर्ड एंड लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी टॉक अबाउट नेसोल वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर्स नॉट जस्ट इन आर स्टेट पर आई थिंक इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट एरिया यू शुड गो एंड विजिट इट यू विल फाइंड द डिफ्रेंस ओवर देर एंड लेडीज एंड जेंटमैन इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे और पार्टनर्स जुड़ चुके हैं वी हैव आर फूड पार्टनर मॉकिंग बर्ड रेस्टोरेंट गुमसर डाइनिंग एंड जेस जायका अलॉन्ग विद वी हैव हेरिटेज अरुणाचल किचन एंड लेडी एंड जेंटमैन विद डी हैव आर हॉस्पिटेलिटी पार्टनर पिप्स होटल एंड ऑप्सीडियन ब्लू दैन वी हैव आर मीडिया पार्टनर एम पी एल न्यूज लाइफ एंड द वन एंड ओनली अरुण भूमि एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव आर ऑफिशियल ब्यूटी पार्टनर मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ बट वी हैव अ ब्यूटी पार्टनर लेडीज एंड जेंटमैन दैट इज टॉपसी सलून एंड आज के जो गेस्ट है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दे आर सम पीपल यू मे लाइक यू मे नॉट लाइक बट यू कैनॉट इग्नोर देम येस लेडीज एंड जेंटमैन आई एम टॉकिंग अबाउट द वन यू हैव सीन बट यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट सुना नहीं होगा लेकिन देखा जरूर होगा

There you go. Okay, Miss Shrine. Uh, uh, te, uh, I mean, uh, uh, what's with the name? चलें नाम से ही शुरू करते हैं. Shrine, Shrine is supposed to be a very holy place, right? Yes. तो content और थोड़ा सा match नहीं हो रहा है जैसे लगता है. बताइए दोरा. ये नाम के बारे में बताइए सबसे पहले. मेरा नाम Shrine. Actually, Shrine. Everybody knows about it. Hmm. Shrine मतलब it's a holy place. Or hmm. mostly people call it like temple. जो hmm. temple होते हैं उसे बोलते हैं Shrine. ओके सो अबाउट माय कंटेंट कंटेंट एक्चुअली आई डोंट थिंक सो आई मेक ऑपोजिट टू माय वही मैं भी वही बोल रहा हूं ना श्राइन सुनने से तो लगता है कि लाइक अभी ना घंटी वंटी बजेगा पूजा हो जाए चालू हो जाएगा यू you नो know, अगरबत्ती जलाएगा एंड दिस एंड दैट बट यू नो सो दैट इज व्हाई मतलब नाम और कंटेंट ये नाम कैसे आया ये ये ना ओके एक्चुअली माय रियल नेम इज माना हूं इवन दैट इज होली नेम सो so, oh. मेरा फ्रेंड ने मुझे श्राइन रखा है एक्चुअली बिकॉज आई वॉज वेरी जीसू काइंड ऑफ पर्सन आई आई इन हाई स्कूल और कॉलेज तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम बहुत वैसे हो यू नो इनसेंट एंड इन शॉर्ट ऐसे बोलेंगे कि तुम बहुत से क्या बोलेंगे उसको मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है मतलब थोड़ा

सब लोग यू नो फिगर्ड वाले ढूंढते mm. एंड चाहे वो टैलेंटेड हो नहीं हो बट दे गुड लुकिंग एंड फिगर्ड वाला बट आई जस्ट वांट टू बी यू नो यूनिक की ऐसे शरीर में भी आई कैन यू नो हैव दैट है कि लोगों को इंस्पायर कर mm. सकूं क्योंकि आजकल ज़ीरो फिगर हर हर कोई है आई I मीन mean, सब है बट ऐसे बॉडी तो <laughs> भी वो तो सेम ओके <laughs> <वही। laughs> okay. तो मतलब वही है मतलब यू ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट ना यस तो स्टैंड आउट एंड देन आपने जैसे कि बताया स्टैंड आउट एंड व्हेन यू से यू वांट टू स्टैंड आउट आई मीन लाइक मैंने देखा है लाइक स्टैंड आउट इन द सेंस कि लाइक यू वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बट हैविंग सेड दैट कंटेंट तो आप क्रिएट कर ही रहे तो वो तो आपको एक तरह से सेम बनाता है ना तो आप बताइए आपके कंटेंट में ऐसा क्या है जो

Hmm, तो वही मैं देख रहा था लाइक like, ना एक होता है ना देर सम पीपल जिसको आप मन चला कह सकते हो ना मन चला मीन्स लाइक अनएपोलोजेटिक ना ना इससे मुझे फ़र्क पड़ता है ना इससे मुझे फ़र्क पड़ता है ना टू डू व्हाट आई वांट टू डू मतलब जो करना है वही करेंगे ना ये तो बहुत न, बढ़िया हो गया आपका आ, दिस कंटेंट को लेके ना दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई आस्ट टू मोस्ट पीपल हु आर लाइक जो लोगों को हंसाते हैं ना मैं उनको बहुत पूछता हूँ ये लाइक सम पीपल से देट जो दूसरा लोगों को बहुत हंसाता है ना वो खुद अंदर से बहुत दुख होता है बोलता है लाइक हाउ फार इज दैट ट्रू आई मीन थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया अगर आप जवाब yeah. नहीं देना चाहते हैं तो बट आई हैविंग सेड दैट लाइक आई हैर्ड दैट पीपल हु लाफ एंड हु मेक अदर्स लाफ दे क्वाइट सैड इन साइड एंड यू नो दे आर द वस एक्चुअली Uh, दर्द है उनके अंदर ना तो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस यस इट्स वाइक ट्रू ऐसे होते हैं एक पर्सन होते हैं कि आप उससे ना मेचोरिटी जब आ जाते हैं आप उससे hmm. उभर लेते हो यू नो हाउ टू हैंडल यूर सेल्फ हाँ आई वॉज वन आई वॉज नो कॉलेज स्टूडेंट गर्ल बट लोग सबको लगता है कि मैं अभी तक स्कूल गोइंग बच्चा हूँ बट नो मेरी ग्रेजुएशन पाँच साल पहले हो चुकी है oh. <laughs> दिखती वैसी ऐसी हूँ बट यस अभी स्कूल बच्चा hard. तो नहीं लगा था आपको <laughs> बट पाँच साल हो गया तो नहीं लगा था ग्रेजुएशन हाँ पाँच साल हो गई ओके ओके यार प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू तो या uh, yeah, मतलब uh, कहीं ना कहीं थोड़ा था आप में भी

ऑफ कोर्स यू आर हेल्थी गर्ल मतलब सो टू से लाइक जैसे कि तो कहीं ना कहीं वेट को लेके भी आई मीन वॉज दैट अ रीजन क्योंकि लेट्स बी वेरी फ्रेंक हो कि इवन आई एम ओवरवेट हम भी बहुत ओवर वेट है लेकिन बचपन से बेशरम ही था हम इतना असर नहीं हुआ हमको मतलब okay. आदमी लोग बोलते रहता था एंड आई वॉज लाइक तुम पटला हो कि तुम कौन सा बहुत हैंडसम दिख रहे हो कि आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट चलो हम भी हैंडसम नहीं बट तुम भी तो कौन सा हैंडसम

नहीं नहीं आई वॉज लाइक बचपन से ऐसा आई एम है वेरी कूल पर्सन अगर इफ सी आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन इफ आई वॉन्ट मुझे करना है तो आई कैन बी स्लिम वो <laughs> तो आजकल वर्कआउट से हो जाता है बट ये मेरा मन है कि नो आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक दिस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी मी और ऐसे ही लोगों <laughs> को यू you नो know? इंस्पायर करना चाहती हूँ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ओवर वेट पीपल जो वेट घटाना चाहता है बट कर नहीं पाते हैं आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल बहुत स्ट्रगल करते हैं उसके बाद से उन लोग बहुत बहुत वैसे यू you नो know, hmm. अलग अलग तरीके आज़माते हैं बट आई जस्ट वन यू नो इंस्पायर पीपल कि आप जैसे हो वैसे ही खुश रहो रहोटिल एंडस यू आर गेटिंग सिक है ना मतलब वर्कआउट करने मने तो करो नहीं करने मने तो मत करो ना। ना, बस एक्टिव रहना जरूरी है exactly, exactly, exactly <laughs> वही। तो क्योंकि मैंने आपकी वीडियोज में देखा है ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर लाइक मतलब अच्छा से ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ को ना एंड देन तो बचपन में मतलब हाउ यू एज अ चाइल्ड आई मीन हम तो चाइल्ड ही सोचा था आपको <laughs> देख के ओके okay? लेकिन अभी पता चला चाइल्ड नहीं है ना <laughs> तो like? like, मतलब? like, uh, चाइल्ड <laughs> you know, मतलब, हाउ uh, ऐसे तो नहीं था ना कि दुनिया, दुनिया को आप अपना नजर से देख रहा था ना तो नजरिया को बहुत जानने मन जस्ट वेट इन साइड योर माइंड नाइक बच्ची थी हाँ मतलब दुनिया को आप कौन सा नजर से देखता था लाइक like, मतलब वेरी एंग्री वर्ल्ड और वेरी कैसा था आपका वो मतलब no, kind of मैं ऐसे बच्चा कभी नहीं थी मैं यस yes, आपने जरूर सही कहा है आई एम वेरी ऑब्जर्वेटिव मैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ फॉर एग्जाम्पल आज तक मुझे ऐसा चीज़ याद है कि जब मैं बचपन में आई वॉज इन आसाम बोर्डिंग में थी hmm. तो कुछ वैसे चीज हो जाती है कि hmm. पर, आ, किसी और का पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए इवन दो उनके पेरेंट्स उनको समझाएंगे वो चीज़ भी मेरे दिमाग में रह जाती है ah. और समझ रहे हो वैसे चीज़ों hmm. को मतलब अपने अंदर एंड पीपल से बहुत यू you नो know, तुमको प्रॉब्लम नहीं होता है कि इतना लोग ये वो बोलते हैं और यू नो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरा से कंपैरिजन करना बट hmm. मैं हमेशा कल में जो थी आज को कंपेयर करती हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो गेट बेटर फ्रॉम मी डे ऑफ मतलब मैं मेरी फेवरेट हूँ समथिंग लाइक दैट एंड अनदर थिंग ना सिंस जैसे कि मैं बोल रहा था आपके कंटेंट के बारे में तो आप जब जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू व्हेन यू लुक एट द सोसाइटी टुडे ना व्हाट इज द थिंग दैट बॉदर्स यू द मोस्ट मतलब आप जब अपना आसपास जब आप देखते हैं ना सबसे ज़्यादा क्या जिसको देख के दुख लगता है आपको आई डोंट नो इट बी एप्रोप्रिएट और नॉट इट इज एप्रोप्रिएट ऐसे मैंने एक दो यू you नो know, अपना थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी इस yeah, बारे में एंड यस uh, yes, मुझे हमारी सोसाइटी में जो कल्चर सदियों से चलता आ रहा है पॉलीगेमी, आई यू नो मैंने एक दो वीडियो पे भी इसके अगेंस्ट में बोला है बहुत सारे हेट्स मिले हैं अब धीरे धीरे आ रहे हैं mm. वो चीज़ें मुझे बहुत बॉदर करती है बिकॉज आई यूज टू गेट इमोशनल यू नो बिकॉज मोस्ट ऑफ अस कंटेंट क्रिएटर हो या जो भी हो वी बिलोंग टू दैट फैमिली पोलीगेमी से हर किसी का दो माँ हो तो तीन माँ तो होते ही है हमारा ट्राइबल कल्चर में सो दिस शुड चेंज मैं बस ये सोचती हूँ मतलब पॉलीगेमी इज समथिंग दैट रियली बोथ एंड देन यू नो जैसे कि आपने कहा ना ये हम लोग को लगता है कि पॉलीगे में रुक गया ना लेकिन नहीं रुका है हाँ नहीं, नहीं रुका रुका नहीं है तो मतलब चलो पुराना जमाना में आप ऐसा बोल सकता था कि अब पढ़ा लिखा नहीं है दिस एंड दैट ये मजबूरी था बट आजकल तो यू नो यंग मैन इट्स नॉट ओनली वुमेन दैट इज टू ब्लेम इट्स नॉट ओनली मैन ब्लेम ना yes. लड़का लोग भी शादी कर रहा है दो तीन क्योंकि मिल रहा है शादी करने के लिए और लड़की लोग भी सेकेंड थर्ड में जा रहे हैं क्योंकि कोई तो बुढ़ा है ना जो लेके जा रहा है वो नहीं तो रहे uh, I mean, like, uh, uh, हैं ना अभी का जनरेशन में भी क्यों होता है ये चीज सब कुछ जान के भी इवन दो क्यों हो रहा है क्योंकि संसार इतना बदल रहा है दुनिया इतना बदल रहा है hmm. आई फील लाइक जो लड़कियाँ आई डों आई नो ये इंटरव्यू जब वो लाइव होगी आई एम श्योर की मैं बहुत ज्यादा हेटरेट मिलने वाली हूँ बट स्टिल कुछ भी बोलूँगी तो फिर मेरे पे आ जाएगा इसीलिए बोलिए कुछ नहीं <laughs> है हम लोग लो इतना भी हार्ड नहीं, <laughs> नहीं। है मेच्योर है सब बोलिए 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 बिंदास बोलिए आप हाँ आई फील लाइक जो लड़कियाँ हाँ आपने सही बोला कि लड़कियों के भी हंड्रेड परसेंट गलत नहीं है लड़का का भी नहीं है बट दिस शुड चेंज और मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ यू नो दूसरों के घर तोड़ के जो अपना घर बनाते हैं आई मीन दूसरों के घर के ईंट को लेकर अपना बिल्ड करते हैं वो दुनिया में सबसे वीकेस्ट वमन होगी लड़की होगी फॉर मी क्योंकि भगवान ने हम सभी को हाथ दिया है हम सभी को पहर दिया है वी शुड वर्क वाई वी शुड बी लेज़ी लेजी नहीं होना चाहिए और आजकल दुनिया इतना बदल चुकी है कि हम कुछ भी करके खा सकते हैं सो यू 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 फील दैट नो नो वीमेन बट मैं you know, एक uh, नहले पे दहला एक बोलना चाहूँगा okay. आपको ना बट अभी देखो ना वो लड़की जो है ना आप जो बोल रहे हो लड़की जो घर तो है ना अभी लड़की खुद से तो जाके नहीं तोड़ना रहे ना वो लड़का भी तो मतलब कुछ किया बहुत सिग्नल दिया होगा कि हम तुमको पटाने वाला है तुम पट जाओ हमसे ना तो ठीक ठीक है 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 लड़की लड़की व्हाट अबाउट अबाउट द द मेन वो मतलब मर्दों को क्या बोलना है, क्या uh, बोलना no, चाहोगे no, हाँ, uh, like hmm. तो आप? एवरीवन यूज्ड टू कि कि लड़का बी ऑन लिमिट ऐसा बोलते हैं ना अभी बट आई फील लाइक चलो इफ यू डोंट नो मैरिज आपको आधे में रोकना चाहूंगा मैं चा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि, कि वो लड़का को क्या बोलना चाहेगा आप जो मतलब यू you नो know, एक घर में है ऑलरेडी मतलब जो ऐसा नहीं है क्या अपना सेंसेस को कंट्रोल नहीं जो अच्छा दिख रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे जो अच्छा सुन रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो मतलब आपको पूछना चाहेगा मैन को क्या बोलना चाहोगे आप इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिंस आप बहुत ओपिनियन देता है हाँ अपना हाँ। सो आपको आ, आपका ओपिनियन जानने के लिए बुलाया मैन को मैं क्या आई डोंट हैव वर्ड्स

बींग कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुंसर आप अगर पब्लिक फिगर हो तो ऐसे बोल hmm. भी नहीं सकता बट आई फील लाइक कि मर्दों को भी थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए hmm. और आई नो दे आर लॉट्स ऑफ मैन जो यू you नो know, समझते हैं मुझे पता है बहुत बड़े बड़े जो hmm. मर्द है दे आर यू नो अपने फैमिली को संभालने में hmm. ऐसे जुट जाते हैं आई हैव सीन लॉस ऑफ मैन ऑल्सो बट दोनों You know, gender hmm. एक दूसरे से कम नहीं है। <laughs> <laughs> नहीं। ताली हाँ। तो एक हाथ से तो नहीं हाँ। बचता है ये बिल्कुल सही तो। इसका ठीक उल्टा ना जब आप देखता है ना आसपास देखता है हम ये नहीं पूछ रहे आपको कि क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा खुश खुशी देता है ना हम आपको ये पूछा है हाँ ये चीज देख के आया तो बहुत अच्छा लगा मतलब क्या चीज़ दुनिया का क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा पसंद है दुनिया का। so, दुनिया का का मतलब नो नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज दैट जब आप अप, अपना आसपास सोसाइटी को देखता है जब आप दुनिया को देखता है ना तो क्या चीज को देख के आप सबसे ज्यादा खुश होता है मतलब लाइक व्हाट इज इट पीपल डूइंग व्हाट इज इट इंसान लोग का क्या चीज़ आपको सबसे अच्छा लगता है इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे

Yes. लगे रहना चाहिए हाँ. न mm, ये बात तो सही है ना इफ़ यू आर पॉजिटिव इफ यू हैव दैट यू नो गट्स आपके अंदर है तो कभी ना कभी ग्लोरी आपके पास आएगा ना इफ़ यू हैव गट्स ग्लोरी विल कम टू यू राइट तो ये तो हो गया आ, बहुत ही यू you नो know, चीज़ है चीज़ें ना तो चलिए आई मीन श्राइन फ्यूचर में क्या करेगा कंटेंट क्रिएशन तो चलते रहेगा बट uh, कुछ मेगा प्लान है क्या कुछ बूम होने वाला है या uh, आप भी सोच रहे कि उपाय नहीं है अभी जाके ए का ए पी का कुछ करना पड़ेगा ऐसा सोच रहे हैं मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ पर्सन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया व्हाट आर यू फ्यूचर प्लान सबको ये जानने मन होता है तो बताइए अगर शेयर करने लायक है तो आई थिंक कि जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं उसको ना जब तक एग्जीक्यूट oh. नहीं करो तो बताना नहीं चाहिए सो इट्स अ सीक्रेट गाइस और uh, yes, planning very big, और यस प्लानिंग वेरी बिग इवन दो थोड़ा बहुत इधर ना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी चल रही है बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ और uh, अगर आपको अपडेट जानना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल श्राइन तानिया वही सब्सक्राइब करिए मतलब वहां पे ही पता चलेगा कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ तो हो रहा है ना सो नाइस ओके आई मीन आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड देन जितना आपसे बात कर रहा है uh, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक यू नो दर्द तो है आपके अंदर बट जैसे हर किसी का अंदर होता है बट आई थिंक यू आर डूइंग वेल थैंक कहीं ना कहीं मतलब एवरीबडी स्ट्रगलिंग बाबा यू 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 ऑल ऑफ यू यू आर स्ट्रगलिंग ओके मत बताओ अपना स्ट्रगल किसी को ना नहीं अकेला स्ट्रगल मत करो है कि नहीं ना डोंट स्ट्रगल अलोन किसी एक को ब, ब, बुलाओ बिठाओ पकाओ उसको ना वो सुनने मनने से भी लाल चाय पिला पिला के सुनाओ उसको ना कटा बिस्कुट एक खिला खिला के सुनाओ उसको दोस्त किस काम का है राइट एंड देन ऑफ कोर्स श्राइन का वीडियो देखते रहिए खुश होते रहिए ना ना वो जो अलहड़पन जो होता है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना सो uh, so श्राइन ऑफकोर्स आर कमिंग टू एंड ऑफ टूडेज एपिसोड ना एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू से ना नॉर्मली हम बोलते हैं आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेगा ना बट अभी हम आपको ऑडियंस को भी नहीं आपको कुछ भी बोलना है आप बोलिए लाइक देर आर मोर देन यू नो थाउजेंड ऑफ पीपल डे लिसन टू यू बट टूडे वी हैवे डिफरेंट थोड़ा सा अलग ऑडियंस है यहाँ पर ना okay. तो ये लोग को आप क्या बोलना चाहेगा मतलब कुछ भी आप बोलना चाहते हैं लाइफ uh, को लेकर वो लोगों कुछ बोलने मन है या अपना आप को ले के बोलने मन है

आप थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट कीजिए हमारा टैलेंट भी बाहर आने दीजिए hmm. और आप जैसे देखते हैं बाहर का कितना लोग है कहाँ कहाँ से नए आ रहे हैं हमें भी मौका दीजिए है कि नहीं हमें भी मौका दीजिए मुंबई जाने का एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के वहाँ आने का एक दो आ रहे हैं उनको भी आप ट्रोल करते हैं आई नो ट्रोल करना भी एक पब्लिक यू नो पब्लिसिटी का पार्ट है बट यू नो जिसके पास आपके अगर घर पे बहन है भाई है रिलेटिव में टैलेंट है तो उसे पुश कीजिए आई एम वेरी लकी टू से दिस कि मेरा परिवार स्पेशली माई सिस्टर सब मुझे सपोर्ट करते हैं इसीलिए मुझे ट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज <laughs> मेरा बैकबोन मेरा पेरेंट्स है ऐसे भी आप कीजिएगा थैंक यू सो मच और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा cool, cool, cool. मैं भी आप सबकी बेटी हूँ दीदी हूँ बहन हूँ hmm. है कि नहीं किसी की बहू भी बन सकती हूँ जॉक सपोर्ट गाइस मैं बहुत मजाकिया करती हूँ <laughs> जोक नहीं था ओके बहु बनेगा पर एनी दैट यू नो वन थिंग आई टेल यू श्राइन ओके द गुड थिंग और द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट शी इज नॉट ट्राइंग टू बी क्यूट ओके बट वो मुझे क्यूट कोई कोई होता है ना बहुत प्यारा प्यारा एक्टिंग करता है बट नहीं लगता है प्यारा और कोई कोई होता है कि लाइक आपको सब देख के आया देखा होगा हाँ, <laughs> <laughs> so, you know, uh, nah, श्राइन से बात करके एक चीज पता चला है कि फैमिली uh, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है यार आपका कोई बहन है भाई है बेटा है जो भी है ना गलती कर लेने दो ना nah, गलती कर लेने का बाद उसका बहिष्कार मत कर दो डोंट बॉय दैट पर्सन ना डांटिए उसको समझाइए लेकिन प्यार से ना कभी भी उसको उसका दामन मत छोड़िए उसका हाथ को कभी भी मत छोड़िए ना एंड देन देन एवरीबडी हैज देयर स्ट्रगल बट एवरीबडी हैज़ टू डू देयर ओन पार्ट सो शी इज़ डूइंग हर ओन पार्ट सबको हंसा रहा है और यू नो सबको एंटरटेन कर रहा है स्ट्रेस बस्टर एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल थिंग टू डू ना यस yes. तो हमारे टाइसन टॉक शो की तरफ से श्राइन तानिया आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लक So आप much. जो भी कर रहा है अच्छा और अच्छा करिए एंड really? uh, खुद भी बहुत आगे बढ़िए और ये सोसाइटी में जो पॉजिटिविटी है उसको भी आप बांटते रहिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष आपको मिस श्राइन तानिया थैंक यू सो मच तो लेडीज एंड जेंटलमैन विद दिस वी हैव टू द एंड ऑफ एपिसोड एपिसोड ना प्रॉब्लम क्या है कि लाइक like, हम वो सीरियस कराने के लिए नहीं सोचता है बट हो जाता है सीरियस तो आज का भी थोड़ा सीरियस हो गया एपिसोड बट देन आई थिंक यू नो इट वॉज अ वंडरफुल स्टोरी सो कीप लिसनिंग टू अस वी हैव मैनी मोर मैनी मोर मनी मोर वंडरफुल स्टोरीज कमिंग टू यू आपको इंस्पायर करेगा आपको एंटरटेन करेगा आपको रिलैक्स करेगा आपको मोटिवेट करेगा सो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम द टाइसन टॉक शो टीम इट्स अ गुड बाय टू यू लाइक करें सब्सक्राइब करिए शेयर करें आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू